स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। तो साथियों, इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्लास 10वीं का सामाजिक विज्ञान, जो विज्ञान है इससे भी VI प्रश्न हम लोग देखेंगे। और साथियों बता दें कि ये सामाजिक विज्ञान का VI प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन होगा और ये सभी प्रश्न आपके दृष्टिकोण से और हमारे दृष्टिकोण से और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी साथी वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर आप नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए साथी बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमासतों को नियुक्त किया था। किन्हीं तीन कारण का उल्लेख करना है। तो गुमासतों को जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बुनकरों पर निगरानी करने के लिए रखा था उसके तीन कारण बताइए। तो इसको हम लोग इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापारियों और दलालों की भूमिका समाप्त करने तथा बुनकरों पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने के विचार से वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिया जिन्हें गुमासता कहा जाता था। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापारियों और दलालों के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए क्या किया कि वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिया गया, क्योंकि आपको वेतन देंगे इसके ऊपर आपको कंट्रोल करना है। ठीक है, देखना है कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा, वो आपको टोटल जासूसी करना है। ठीक है ना, अब इन गुमसतों को अनेक प्रकार से काम सौंपे गए, अनेक प्रकार के काम सौंपे गए। पहला कैसे, तो चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहला दिया हुआ है, पहला है कि वे बुनकरों को कर्ज देते थे ताकि वे किसी और व्यापारी को अपना माल तैयार करके ना दे सके। तो क्या है कि पहले उसको बुनकरों को पैसा दे देता था, कर्ज दे देता था कि जो भी आप बनाइएगा हम ही को दीजिएगा। ठीक है, हम आपको पैसा दे रहे हैं। ठीक है ना, दूसरा है कि वे ही बुनकरों से तैयार किए हुए माल को इकट्ठा करते थे और वही जो यहाँ पे गुमासता है वही कर्ज देता था और वही बुनकरों से इकट्ठा करके एक जगह पे माल इकट्ठा करता था। तीसरा पॉइंट आप लिखिएगा कि वे बने हुए सामान विशेषकर बने हुए कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करते थे और वे गुणवत्ता की जांच करते थे कि कपड़ा कैसे बना हुआ है, आपका माल कैसे है, क्या है नहीं है, टोटल आप वही करता था। ठीक है, गुमासता ही करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों इस प्रश्न का आंसर आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति के प्रसार का क्या असर हुआ। ठीक है, वो बताना है आपको। तो देखिए इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखिएगा कि 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का निम्नांकित असर हुआ है। अलग अलग प्रकार से असर हुआ है। पहला का, अनेक लोगों को छापाखाने में काम मिला। अनेक लोगों को छापाखाने में क्या हुआ कि काम मिला जब मुद्रा संस्कृति पर आया भारत में, तो अनेक लोगों को काम मिलना स्टार्ट हुआ और सस्ती मुद्रण सामग्री से उन्हें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार मिलने लगे। ठीक है, स्थानीय समाचार और अंतर्राष्ट्रीय समाचार सब कुछ सस्ता में मिलना स्टार्ट हो गया। भाषाई प्रेस ने गरीब लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावनाओं को रोपण किया और भाषाई प्रेस जब स्टार्ट हुई तो इसी ने गरीब लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावनाओं को रोपा। ठीक है ना, इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं। तो कॉर्न लॉ क्या था और इससे आप क्या कैसे जानते हैं, क्या है नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। तो कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे 18वीं सदी से आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी थी। जब 18वीं सदी की आखिरी दशक, ठीक है, 18वीं सदी की आखिरी दशक में ब्रिटेन की आबादी बहुत स्पीड फैलने लगा, परिणाम स्वरूप देश में भोजन की मांग भी बढ़ी। आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे आपके घर में, सपोज मानिए कि एक देश आपके घर को हम समझाने के लिए कह रहे हैं, है ना, कि आपके घर में अगर संख्या बढ़ जाए, ठीक है, बच्चों की संख्या, लोगों की संख्या, खाने पीने की किल्लत होने लगेगा जब संख्या बढ़ जाए तो, है ना, तो संख्या तो खाना भी बड़ा ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि भोजन की मांग भी बढ़ी, जैसे जैसे
शहरों और उद्योगों का विकास हुआ, कृषि उत्पादकों की मांग भी बढ़ने लगी। कृषि उत्पाद की कीमतों बढ़ने लगी। इसके बाद बड़े भू स्वामियों ने दबाव में सरकार ने कॉर्न लो के आयात पर पाबंदी लगा दी। जिन कानूनों के द्वारा सरकार ने यह पाबंदी लगाई थी उन्हें कॉर्न लो कहा गया। और क्या हुआ कि कृषि उत्पादन की कीमतें बढ़ने लगी, और जब कृषि की उत्पादन की कीमतें बढ़ने लगी तो इसके बाद बड़े भू स्वामियों के दबाव में आकर सरकार ने एक लॉ लगाया, ठीक है, उसी को आयात पर पाबंदी लगा दी, कॉर्न के आयात पर पाबंदी लगा दी। जिन कानूनों को सरकार ने पाबंदी लगाई थी उन्हीं को कॉर्न लॉ कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद करते कि साथियों आप समझ गए होंगे, आप ठेठिया भाषा में इसको आप समझ सकते हैं कि कॉर्न लॉ क्या है, कि अनाज के आयात पर पाबंदी लगाया गया उसी को कॉर्न लॉ कहा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि G77 की स्थापना क्यों की गई, तो G77 की स्थापना क्यों की गई है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि 50 और 60 के दशक में विकासशील देशों को पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था की प्रगति से कोई लाभ नहीं मिल रहा था, इसीलिए विकासशील देशों ने अपना एक समूह बनाया जो G77 के नाम से जाना जाता है। तो क्यों लगाया, क्योंकि जो पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था की प्रगति से कोई लाभ नहीं मिल रहा था, इसीलिए G77 की स्थापना की गई है। तो उम्मीद करते हैं कि साथियों आप इस प्रकार से इस सभी प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं, तो आ गए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न वर्गों और समूहों ने क्यों हिस्सा लिया इसके बारे में है। तो चलिए इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखिएगा कि विभिन्न वर्गों और समूहों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया क्योंकि स्वराज के मायने सभी के लिए अलग अलग थे। स्वराज जो शब्द है इसका मीनिंग जो है गरीब लोग या सभी अलग अलग वर्गों के लोग के लिए अलग अलग होता था। जैसे का ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदी नहीं होगी और व्यापार व उद्योग निर्भरता ढंग से फल फूल सकेगा। क्या कह रहा है कि स्वराज का मायने जो व्यापारी लोगों के लिए ये होता था कि उद्योग के ऊपर कारोबार के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं होगा, उसको ये लोग स्वराज समझते थे। और भी आप समझिए किसान लोग कैसे समझते थे, तो किसान लोग का जो मायने है ना किसान है कि धनी किसान के लिए स्वराज का अर्थ था भारी लगान के खिलाफ लड़ाई, ठीक है। नेक्स्ट है कि देखिए यहाँ पे महिलाओं के लिए स्वराज का अर्थ था भारतीय समाज में पुरुषों के साथ बराबरी और स्तरीय जीवन की प्राप्ति। तो हर लोगों के लिए अलग अलग स्वराज का माने होता था। और यहाँ पे देखिए गरीब किसान के लिए क्या था साथियों, तो गरीब किसान के लिए स्वराज का अर्थ था उनके पास स्वयं की जमीन होगी, उन्हें जमीन पर किराया नहीं देना होगा और बेघर नहीं होनी पड़ेगी, ठीक है। तो सभी के लिए स्वराज का माने अलग अलग था, ठीक है ना, स्वराज का माने अलग अलग था, इसीलिए सभी वर्ग सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया, ठीक है। उम्मीद करते कि साथियों अभी तक आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मारियान और जर्मेनिया कौन थे, ये VVI प्रश्न है। हमारे ख्याल से लगता है कि ये प्रश्न को फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, पहले भी बता चुके होंगे ये प्रश्न। जिस तरह उन्होंने चित्रित किया गया है उसका क्या महत्व था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन VVI प्रश्न है साथियों। और साथियों बता दें कि अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो समझ रहे हैं कि आप पढ़ने में रुचि दिखा रहे हैं, और अगर आप पढ़ने में रुचि दिखा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों इस तरह का और भी वीडियो VVI क्वेश्चन का वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ कि फ्रांस की क्रांति के दिनों में कलाकारों ने नारी रूपकों का प्रयोग अमूर्त विचारों कहने का मतलब स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच आदि के लिए करता था, को प्रकट करने के लिए किया जाता था। कुछ कलाकारों ने इन महिलाओं रूपकों का प्रयोग एकता के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में किया था, ठीक है।
आगे देखिए साथियों, दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में लोकप्रिय ईसाई नाम मेरियन दिया गया, उसे लाल टोपी, तिरंगा और काली कलगी के साथ दिखाया गया और उसकी प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों पर लगाई गई ताकि लोगों को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। ठीक है, और भी देखिए इसी प्रकार जर्मनी में, ये फ्रांस के बारे में बताया गया था कि फ्रांस में मेरियन नाम की ईसाई लोकप्रिय ईसाई नामक मेरियन दिया गया है, जिसे लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ दिखाया गया है ना। लेकिन जर्मनी में देखिए क्या है कि जर्मनी में जर्मन राष्ट्र के प्रतीक के रूप में जर्मेनिया को रूपक माना गया है। इसे बलूत वृक्ष, देखिए साथियों, आप सभी साथियों को बता दें कि एक नंबर का प्रश्न यहाँ से बनेगा कि बलूत वृक्ष के पत्तों के मुकुट से सजाया गया है। क्वेश्चन उठेगा कि बलूत वृक्ष के पत्तों के मुकुट से किनको सजाया गया है, तो आप यहाँ पे फटाक से ऑप्शन देखेंगे और फटाक से मारेंगे कि जर्मेनिया को सर। ठीक है ना, तो जर्मेनिया को दर्शाया गया क्योंकि जर्मनी में बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता है। अब क्वेश्चन उठेगा कि बलूत के वृक्ष से जर्मेनिया को क्यों, उसके मुकुट को क्यों बनाया गया है, तो इसका आंसर आप लिखिएगा कि देखिए जर्मनी में बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये होता है। तो उम्मीद करते हैं कि साथियों आप ये सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लिए होंगे, है ना, सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लिए होंगे और सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से याद भी कर लिए होंगे। देखते देखते ये वीडियो याद हो गया, अगर नहीं याद हुआ है तो आप वीडियो को रोकिए, कॉपी पेन पेंसिल निकालिए, नोट कीजिए और इसे आप अपने दिमाग में डाउनलोड कीजिए। आप कहते हैं जिसको याद करना है ना, याद कीजिए। तो चलिए साथियों, अब वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नए सब्जेक्ट का नया VBI क्वेश्चन लेकर। तब तक आप सभी से अलविदा लेते हैं। अलविदा लेने से पहले चैनल के ऊपर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। फिर मिलते हैं हम लोग साथियों नए वीडियो में, तब तक आप सभी अलविदा लेते हैं। जय हिंद।